जी आपका नाम? मेरा नाम वरुण है। वरुण क्या हुआ अभी? जी मैं गिर गया यहाँ पे, जंप हो जाए तो जब जगदम ब्रेक लगानी पड़ी और मोटरसाइकिल भी टूट गया था। क्या देखते हैं आप करते क्या आप? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आप रोज यहाँ कॉलेज में यहाँ से ही आते हैं या कोई और रास्ते थे? हाँ मैं यहाँ से आता हूँ। क्या देखते हैं कितनी नलायकी है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की? ये नलायकी है उनकी, तभी मैं गिर गया, नहीं तो मैं कैसे गिरता। अगर आज बारिश हो रही होती तो पानी होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता यहाँ पर? अच्छा हो आप इससे पहले भी यहाँ पर कई हादसे हुए आपके साथ? हाँ मेरा दोस्त भी गिरा था। स्टार्ट। पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिनी स्विमिंग पूल का खड्डा जल्द भरो जल्द भरो जल्द भरो मिनी स्विमिंग पूल के खड्डे जल्द भरो जल्द भरो जल्द भरो मिनी स्विमिंग पूल के खड्डे जल्द भरो जल्द भरो जल्द भरो पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साफ नहीं आ रहा यार जी, बताइए अपना नाम। जी मेरा नाम अखिल सरोटिया। अभी अभी हमारा एक कॉलेज का लड़का यहाँ पे गिरा। अब मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रहा था, ठीक है हम सभी की बात सुन के चलते हैं। हमारे मीडिया बंधुओं ने कहा कि चलो एक बार वार्निंग देके हम छोड़ देते हैं, इसलिए आज मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया। जैसे ही उस लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, वो यहाँ पे गिरा हुआ था, हम जल्दी से आए और आके उस लड़के को उठाया। बड़ी शर्म की बात है, एक तो दुख हो रहा कि चलो इतना खड्डा था बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल आंगर कड्ढी रहा तो पानी भी भरी ना अही आइए इतने नहा लेंदे, एक तो यह दुख हुआ, दूआ दुख हुआ जे नहीं करना तो इसी कम से कम भरी ओड़ो। पीडब्ल्यूडी की मासा शर्म नहीं है, छड़ा पैसा चाहिए बेही जाते उत अपने मेरे को सुनते फिर कुछ ऐसा उल्टा जिसकी वजह कर मैं आखना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी शर्म की गल है। ये कुसे की विरासत नहीं है, ये सारा गरीब लोगों के पैसे ने जो जेडे खे जो घबला करते हैं, तो जो इन्ना घबला करना ना कोई लख डेढ़ लख रुपया लाई ओड़ो खड्डे भरी ओड़ो, बड़ी शर्म की गल है। अदो ही हूँ अगर बच्चे की ज्यादा लगी जी उसके सामने कुत्ता निकलिया बेचारे ने स्लिप लै, और तुम आपू भी देखो ना कैमरा फेरो कि अद्धे अद्धे रोड उपर एक खड्डा निकले दा अद्धा रोड, आखने की गल है कि बड़ी शर्म की गल है इन्दे ताई पीडब्ल्यूडी दफ्तर आले ते हूँ भी शर्म नहीं आग तो मैं इन्दे दफ्तर का घेराव करगा और उन्नी देर तक इन्हें मुलाजमें उतो नहीं उठन देगा जिनी देर तक उत्थे खड्डा इसी बंद नहीं करके। मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग पीडब्ल्यूडी दफ्तर की देना चाहना कि ये खड्डा कल तक इसी करो तो बनना ही परसों भी रहा है बिस्तरे लिए थोड़े दफ्तर के बाहर। जय हिंद जय भारत। क्या देखते हैं कुछ देर पहले ही ये जो है सड़क का निर्माण कार्य किया है, ब्लॉक टैपिंग करवाई है, तो फिर ये किस तरह का निर्माण कार्य किया है जो कुछ ही महीनों के अंदर जो है ये सड़क पे इतने बड़े खड्डे पड़ गए? बिल्कुल सही बात है, ये ब्लैक टैपिंग जब करवाई थी तब हमारे प्रेजिडेंट नरेश शर्मा जी हम उनके पास एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे स्टूडेंट हैं हमारे जनता है, क्योंकि समाज के लिए सेवा करना हमारा फर्ज है, हर एक नागरिक को समाज के लिए सेवा करना फर्ज है। तो हम गए थे नरेश शर्मा जी के पास, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं चलती थी, उन्होंने कहा था कि बेटा एक हफ्ते की मोहलत दे दो आपके खड्डे भी भर दिए जाएंगे स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी जाएंगी, जो नहीं चलती थी उसको लगा दिया गया। अब ये जो खड्डे जो निकले हुए हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और इनको एक छोटी सी वार्निंग भी देंगे कि आने वाला यूथ अगर सड़कों पे उतर गया तो किसी की नहीं सुनेगा, इससे पहले एक खड्डा डीसी साहब के आगे भी रिक्वेस्ट है, डीसी साहब प्लीज इसको देखो, आप भी इस रोड से कई बार आते जाते होंगे, आप तो चलो साइड से गाड़ी निकाल लेते होंगे, हम जैसे गरीब बंदे जो टू व्हीलर चलाते होंगे वो कैसे चलाएंगे आप बताओ ना, कैसे इस खड्डे से हम निकाल, देखो आप देखो रोड हमसे एक फुट ऊपर है, हम खड्डे के अंदर एक फुट नीचे बैठे हैं, कितने दुख की बात है। देखते पिछले दिनों नेशनल हाईवे पर। हाँ जी, जी आपका नाम? मेरा नाम साहिल शर्मा। साहिल क्या बात था यहाँ पे? मैं एक दिन आ रहा था रात को तो अचानक यहाँ पे गिरा हूँ मैं, बारिश का टाइम था, काफी लगी थी मुझे, काफी प्रॉब्लम आई थी। क्या देखते पीडब्ल्यूडी विभाग को दिख नहीं रहा इतने महीनों से यहाँ पर? पता नहीं विभाग के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट ये खड्डा अगर है इतना यहाँ से इतनी ट्रैफिक जाती है तो कम से कम कवर होना चाहिए।
नहीं देखा आपने कि आपके साथ भी हादसा हुआ है। हाँ जी सर, लोगों की भी नेग्लिजेंसी नहीं है कि आज चार लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्यों इनको लोगों का समर्थन नहीं मिला, जबकि इस दौरान कम से कम 200 लोग इस हादसे इस प्रदर्शन को देख के यहाँ से गुजर गए। हाँ जी सर, सही बात है, लोगों की थोड़ी मतलब कवर होना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ इस पर। मेरा कमेंट यही है कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करना चाहिए और लोगों को भी बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खुद ही सीमा